नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। रायपुर मारवाड़ पाली जिले के रायपुर उपखंड बरग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ एक विवाहिता महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता का कहना है कि घर में घुसकर सरपंच ने रेप किया, साथ ही पति को मरवाने की भी धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायपुर थाना प्रभारी धोलाराम परिहार ने बताया कि 26 साल की पीड़िता ने रिपोर्ट दी है, जिसमें उसने बताया कि उसे खरीदारी के लिए ब्यावर जाना था। 29 मई को वो अपने पति के साथ बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। बस सरपंच महेंद्र चौहान, अशोक, राजू गाड़ी लेकर खड़े मिले। बस सरपंच ने कहा कि वे ब्यावर जा रहे हैं, उसे छोड़ देंगे। इस पर वो अपने पति के साथ उनकी गाड़ी में बैठ गई। ब्यावर खरीदारी करने के बाद रात करीब 9:30 बजे एक होटल में उन्होंने खाना खिलाने के बाद नशीला पान खिलाया, जिसमें कुछ मादक पदार्थ था। रात 11:30 बजे के करीब उन्हें बर बस स्टैंड छोड़ा गया, वहां से वे अपने घर आ गए। परिवादी की रिपोर्ट के अनुसार रात करीब 1 बजे बर सरपंच ने उसके पति को कॉल कर बुलाया और अपने साथ ले गए। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो बर सरपंच महेंद्र चौहान खड़ा था। वे घर में घुसे और दरवाजा बंद कर दिया, जबरदस्ती उसके साथ रेप करने लगे। विरोध किया तो धमकाया कि तेरा पति हमारे कब्जे में है, नाटक किया तो उसे जान से मरवा दूंगा और जबरदस्ती रेप किया। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि बर सरपंच ने रेप के बाद उसे धमकी दी थी कि किसी को बताया तो दोनों को जान से मरवा दूंगा। मेरी पहुंच पुलिस से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक सीधी पहुंच है। इधर पीड़िता को अब भय सता रहा है कि सरपंच के ऊंचे रसूख के चलते जांच प्रभावित भी करवा सकता है। एक माह पूर्व बर सरपंच के खिलाफ दलित गर्भवती विवाहिता ने लगाया अपमानित एवं मारपीट का लज्जा भंग करने का आरोप। रायपुर थाना क्षेत्र के झाला की चौकी निवासी एक दलित गर्भवती विवाहिता ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित एवं मारपीट कर लज्जा भंग करने का आरोप एक माह पूर्व बर सरपंच के खिलाफ लगाने का मामला भी सामने आया था। पुलिस ने एसपी के निर्देश पर मामला दर्ज कर जांच पत्रावली जैतारण सीओ को भेजी दी थी। वहां से इस मामले की जाँच पाली के आईओ बिश्नोई देख रहे हैं। रायपुर पुलिस थाने में पीड़िता ने बीती रात सोमवार को पुलिस से आपबीती सुनाई व पूरे हादसे का घटनाक्रम पुलिस को बताया। बर सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज करने की गुहार लगाती रही, लेकिन रायपुर पुलिस पूरी रात पीड़िता और उसके पति को बहलाती रही और मामला दर्ज नहीं किया, जिसकी भनक सुबह ग्रामीण व समाज बंधुओं को लगने के बाद पुलिस थाना रायपुर में भीड़ जमा होने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़िता के बयान पर्चा लेकर मामला दर्ज किया है। बर सरपंच महेंद्र चौहान के खिलाफ मंगलवार को पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर जाँच प्रारंभ कर दी। पीड़िता ने पुलिस में मामला दर्ज कराने से पूर्व बर सरपंच महेंद्र चौहान ने पुष्कर राज जाकर डुबकी लगाई और उसकी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की।